नीडल होल्डर की निशानी क्या है, इसके अंदर एक स्ट्रीक सी होती है जैसे नीडल की, नहीं है ठीक है, ऐसे बाकी ये एक होल्डर है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, तो ये नीडल होल्डर ठीक है। और नीचे क्या गिरा वो साइड बता, ये बताएंगे आपका नाम क्या? अक्सा। बताएं सारे क्या नीडल होल्डर होते हैं, जैसे शॉपर नहीं होता पॉलीथीन जैसा। अच्छा व्हाट इज दैट? वो व्हाट इज दिस? नीडल होल्डर। जी नीडल होल्डर, देखिए आपका नीडल होल्डर लट गया क्या? ये क्या है? सर्जन सीजर होल्डर है। इज इट सीजर? क्लैंप। जो भी जिस तरह के क्लैंप्स होते हैं ना उसे ऐसे, ये आर्टरी फोर्सेप्स, इसको क्या कहते हैं? आर्टरी दिखाते हैं, आर्ट क्लैंप्स इसे बड़े होते हैं, ये आर्टरीज हैं जो नींव होनी है, देखो सारी इनको आर्टरीज फोर्सेप्स इसलिए कहते हैं कि इससे हम जब आर्टरीज होते हैं उसको ऐसे होल्ड करके, क्योंकि आर्टरीज एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, अगर उसको ट्रॉमा कर देंगे तो वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, रप्चर होगा, ब्लीडिंग होगी। हाँ तो ये नॉन ट्रोमेटिक है, ये कुछ भी नहीं कहता। ये देखो ये पॉलीथीन कवर लगाया तो ये इसको टेयर ऑफ नहीं कर रहा, ये खराब है इसको, ये देखो ठीक है, ये नॉन क्रोमेटिक है। व्हाट इज दिस? आर्टरी फोर्सेप्स। ये डिफरेंट साइज में आता है, ये मीडियम साइज है, इससे छोटी होगी वो भी होगी ठीक है, जो इससे बिल्कुल छोटी और बारीक सी होती है उसको मॉस्किटो फोर्सेप्स कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं तो मच्छर को पकड़ने के काम आते हैं, जैसे मच्छर छोटे छोटे होते हैं नजर ना आने वाले, इसलिए मॉस्किटो फोर्सेप्स है। और अब मेरी सारी इस तरह की लेम सेंस ऑफ ह्यूमर भी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ये क्रोकोडाइल नहीं होते टीथ, ये किस लिए पकड़ने के काम आते हैं? टफ स्ट्रक्चर्स को, रेक्टस शीथ हो गई, कोई स्किन हो गई कुछ, उसमें हमने एलिसिस फोर्सेप्स, ये जो भी जहाँ में टफ, ये ट्रॉमेटिक होते हैं ठीक है, तो हम इनको सॉफ्ट टिश्यू पे नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो वो रप्चर हो जाएगा, सो फॉर स्किन ओनली, फॉर फाइब्रस टिश्यू एलिसिस फोर्सेप्स ठीक है। ये भी सारे एलिसिस हैं, ये देखें सारे क्रोकोडाइल माउथ एलिसिस, एलिसिस अभी अगला होता तो मैं कराती हूँ। ये है जी स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, हम स्पंज को पकड़ के उसके साथ पेंट करते हैं, और ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, ये भी स्पंज होल्डिंग है ओके, this is sponge holding forceps too okay, ye kya hai ji? no what are these are clamps, ye joint jo humne total abdominal distract bhi ki hai usme ye clamps lagaye hain, ye dekhiye clamps hain ha ji, ye वैसे नहीं है जैसे artery forceps में थे, ये clamp था, ab mask pehen lo yahan pe wo dirt hai abhi paint hua na उस वजह से शायद खांसी हो रही है मैं ना, सॉरी ठीक है। ये क्लैम्प्स हैं, ये होल्ड करने के लिए होता है कि यूट्रस के साथ जो है जो क्लैम्प्स उसके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ट्यूबोवेरियन लिगामेंट, यूट्राइन लिगामेंट जब होल्ड करें तो वो कहीं स्लिप ना हो ठीक है, तो ये फॉर स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, ये सारे देखो एक जैसे हैं ठीक है, ये यूट्राइन क्लैम्प्स हैं ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन आर्टरी फोर्सेप्स और क्लैंप्स। अच्छा व्हाट इज दिस? ये कौन सी सीजर है? सर्जन सीजर, टिश्यू कटिंग सीजर, ये सर्जन सीजर, ये कर्व सीजर है ओके। बाबू कल तो परेशान थे ना, शायद बुक चेंज हो गया बच्चा, ये कौन सी है टिश्यू कटिंग
टॉवल क्लिप्स ठीक है, ये अभी हम पेंट ड्रेप करना सिखाती हूँ, इसलिए हम टॉवल क्लिप्स यूज करते हैं. ओके, एंड व्हाट इज दिस? लेंस फॉर सेप्स इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को होल्ड करने में काम आते हैं. ओके, व्हाट इज दिस? देखें 3D 2D वो हमारे पास डिस्पोजिबल आता है, वो यूज करते हैं. अगर किसी ने पुराने जमाने जैसा करना हो तो ये. अच्छा, ये क्या है जी? दीज आर रेक्टैंगल्स. एब्डोमिनल वॉल भी कहते हैं इनको, राइट एंगल रिट्रैक्टर्स कहते हैं. ये देखो राइट एंगल पे है. ओके, एंड व्हाट इज दिस? डोइंस रिट्रैक्टर. ये डीवर्स रिट्रैक्टर है. ये भी एब्डोमिनल वॉल भी कहते हैं, लेकिन ये ऐसे डीवर ये कर्व्ड है और ये राइट एंगल फॉर्म में है. ओके, ये कौन सा? ये भी रिट्रैक्टर अबाउट द वॉल. ये क्या है? सॉरी, लगा तो नहीं पड़ा. ये क्या है जी? इट्स माय फैक्ट्री स्क्रू. ठीक है, अभी माय फैक्ट्री करते लगी डॉक्टर भूले राना, वो देखता फाइब्रॉइड जो होता है ना, उसकी फाइव माय फैक्ट्री होती है, तो उसके ऊपर हम ऐसे लगा के इसको ऐसे रोटेट करते हैं ताकि उसको होल्ड कर ले, फिर उसको ऐसे 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 रोटेट करते निकालते हैं, वो निकल आता है क्योंकि फाइब्रॉइड का कैप्सूल होता है. तो वो इजीली ये न्यूक्लिएट हो जाता है. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? स्कैल्पल. ठीक है, स्कैल्पल इज यूज फॉर ये भी टूथ फॉर्सेप्स है दोनों. व्हाट इज दिस? वैसे टूथ फॉर्सेप्स की तरह दो टूथ होते हैं बस, और वो यूज करते हैं हम लोग किसी भी टफ स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए. और एक बैबकॉक होता है जो पेंडेक्टमी को पकड़ने के लिए होता है, वो नॉन प्रोबेटिक, वो हम फिलोपियन ट्यूब को पकड़ने के लिए हैंडल करते हैं, या ओवरीज को. और कौन से इंस्ट्रूमेंट है? यही है, एक्जी इंस्ट्रूमेंट है.